नमस्कार दोस्तों, आशुस कुकिंग मैजिक से मैं आशु आप सबके लिए आंवला च्यवनप्राश घर में बनाने की विधि लेके आई हूँ। च्यवनप्राश बाजार में भी मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, मैं उनकी कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन दो चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगी कि उन च्यवनप्राश में बहुत सारी चीनी होती है और साथ में प्रिजर्वेटिव होता है। ये दोनों ही चीज़ हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हम जो च्यवनप्राश घर पर बनाएंगे इसमें ना ही कोई प्रिजर्वेटिव होगा, ना ही इसमें शक्कर या फिर चीनी हम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और साधारण घरेलू इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए हम आंवला च्यवनप्राश को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं आंवला च्यवनप्राश, वो भी घर पर। आंवला च्यवनप्राश बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बिल्कुल फ्रेश हरे हरे आंवले लिए हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इनको बॉईल करेंगे या फिर स्टीम करेंगे। तो मैं तो इसको स्टीम करने जा रही हूँ, तो मेरे पास स्टीमर नहीं है। घरेलू जुगाड़ के साथ मैं एक पैन को गैस पर रख दे रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इस पैन के ऊपर मैं एक छन्नी, इस तरह से छेद जो बनी हुई है ना, ऐसी छन्नी रख दूँगी और इसी के ऊपर मैं सारे धुले हुए आंवले जो 500 ग्राम मैंने लिए हैं उनको मैं इस तरह से रख दूंगी। तो ये मेरा स्टीमर बन गया। अब इसको ढक के मैं 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम करूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे आंवले को बॉईल कर सकते हैं 2 सीटी बजा के आधा कप पानी डाल के। तो अब इसको जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो 2 चम्मच मैं एक मिक्सी के जार में सौंफ लूँगी, मोटी वाली जो सौंफ होती है 2 चम्मच डाल दी। इसी में हम 2 तेज़पत्ता, उसके मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए हैं, वो डाल दिया है। साथ में 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा हम डाल देंगे। इसी में हम 1 चम्मच भर के काली मिर्च डाल देंगे। इसी में अब हम डालेंगे लौंग, 8 लौंग डाली है मैंने, 6 इलायची हरी वाली जो छोटी इलायची होती है, और 1 चम्मच जीरा। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर जिसे कहते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो बिल्कुल पाउडर की तरह बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इस तरह का हमें पीसना है। तो ये हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस मसाले को छान के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना छाने यूज़ करूँगी। अदरक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल अदरक को भी ले सकते हैं, उसको आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम खजूर लेंगे। 1 कप मैंने सॉफ्ट वाला जो खजूर होता है ना वो लिया है, और उसके मैंने जो सीड्स हैं बीज उनको अलग कर दिया है। आप चाहें तो खजूर को पानी में सोक करने के बाद भी पीस सकते हैं। तो सेम उसी जार में हम खजूर को पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने खजूर को पीस लिया है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब हम आंवले को देख लेते हैं। तो लगभग मैंने लो फ्लेम पे आंवले को 15 से 20 मिनट स्टीम किया है। तो देखिए आंवले के ना हल्का हल्का सा जो ये देखिए इस तरह से खुल गए हैं, तो इसका मतलब ये आंवला बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गया है। तो आपको इतना आंवले को स्टीम करना है कि ये हल्के से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए ये इस तरह से ओपन हो जाए इनका। तो बस अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गरम गरम में ही हम आंवले के जो बीज हैं मोटे वाले जो अंदर होते हैं उनको हम अलग कर देंगे। अगर आंवला ठंडा हो जाएगा ना तो इसके बीज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आंवले के बीज निकालने के लिए हमेशा गरम गरम में ही आंवले के बीज को निकालें। तो देखिए मैंने हर आंवले को अच्छे से दबा दिया था। अब बहुत आराम से मैं इसके सारे बीज अलग कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे सारे बीज अलग हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं हो ना तो इसी टाइम पे आप 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी आंवले के साथ पीस सकते हैं। तो जैसा कि हम आंवले को आगे पीसेंगे तो इसको अब हम एक जार में डाल दे रहे हैं, तो इसी टाइम पे आप अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तुलसी की 20 से 25 पत्तियाँ जिनको कि मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से पीस के बिल्कुल महीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आंवला पीस के तैयार हो चुका है। तो चलिए च्यवनप्राश बनाना शुरू करते हैं। एक पैन को हमने गैस पे रख दिया है। इसमें हम 4 चम्मच शुद्ध देसी घी, घर का बनाया हुआ घी मैं यूज़ कर रही हूँ। घी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है तो उसको ज़रूर देखिएगा। 4 चम्मच देसी घी डालते ही हम इसमें डाल देंगे आंवला तुलसी का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये देसी घी जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा आंवले का जो पेस्ट है जब तक ये इसको पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा ना तब तक हम इसको लगातार चलाते हुए इसको हम चलाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये आंवले का जो च्यवनप्राश है ना बनाना बहुत आसान है, और इसको आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाइएगा।
और मेरी देसी घी की रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको लगभग चलाते हुए 3 मिनट के अंदर ही आंवले ने सारे देसी घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और खूब बढ़िया से ये फूल गया है आंवला, आप देख सकते हैं। बस बिल्कुल सेम इसी टेक्सचर का जब हो जाए ना, तब हम इसमें खजूर डाल देंगे। तो ये खजूर है, इसको अब हम अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट अच्छे से चला के दबा दबा के खूब बढ़िया से ये मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो खूब अच्छे से ये अपने आराम से धीरे धीरे पकेगा। इसको 5 से 7 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल हलवे की तरह हो गया है, पैन छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं ये मिक्सचर, देसी घी भी सेपरेट हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको भून रहे हैं और अब हम इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे लगातार चलाते हुए। अच्छे से जब ये भून जाएगा ना, तब आपका च्यवनप्राश बहुत अच्छा बनेगा। 1 मिनट बाद अब हम इसमें 300 ग्राम गुड़ डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके। तो देखिए मैं यहाँ पे चीनी नहीं यूज़ कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को अब आप यहाँ पे लो कर दीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम गुड़ को मेल्ट होने तक ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे, गुड़ अपने आप आराम से मेल्ट हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को मीडियम मत रखिएगा, नहीं तो गुड़ जल के चिपक जाएगा। तो हमेशा गुड़ को जब भी मेल्ट करें तो उसको लो फ्लेम पे करें। तो यहाँ पे हम चीनी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम गुड़ यूज़ कर रहे हैं। गुड़ के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। लो फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह से चला रहे हैं और गुड़ हमारा यहाँ पे बिल्कुल मेल्ट हो गया। तो सेम इस टेक्सचर का जब हो जाएगा, तब हम इसमें पिसा हुआ मसाला सारा डाल देंगे और इन मसालों को भी हम लो फ्लेम पे मिला देंगे इस सारे मिक्सचर में। तो गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा, अब हमें इसको मीडियम नहीं करना है। लो फ्लेम पे भी ये लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे मसालों के साथ। हम इसको 1 मिनट और अच्छे से भूनेंगे जिससे कि मसाले भी अच्छे से मिल जाए पूरे मिक्सचर में, ठीक है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा। देखिए च्यवनप्राश बनाने का तरीका बिल्कुल सही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो मेरे वीडियो को ज़रा ध्यान से आप देखेंगे तो आपका च्यवनप्राश भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगभग 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छे से मतलब मिलाया है और गैस की फ्लेम मैंने कर दी है बंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान रखिएगा। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद अब हम इसको 1 मिनट और ऐसे ही चलाएंगे जिससे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि पैन अच्छा खासा गर्म है, च्यवनप्राश भी हमारा गर्म है, क्योंकि हमें इसमें मिलाना है अब शहद। तो जब भी आप शहद मिलाएं तो गैस की फ्लेम बंद करें। और यहाँ पे हमें 4 चम्मच शहद मिला रही हूँ, आप 5 चम्मच भी मिला सकते हैं, 6 चम्मच भी मिला सकते हैं। तो शहद को कभी भी गरम में नहीं मिलाना चाहिए, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो शहद को जब भी आप मिलाएं या खाएं तो हमेशा गुनगुना, बिल्कुल हल्के गुनगुने में आप उसको खाएं, ठीक है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, शहद को गर्म करके कभी भी नहीं खाना चाहिए, ना ही उसको गर्म चीज़ों में मिलाना चाहिए। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बढ़िया च्यवनप्राश बनके तैयार हो चुका है। और ये च्यवनप्राश बाज़ार के च्यवनप्राश से कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने देसी घी मिलाया है, इसमें हमने शहद मिलाया है, सारे मसाले हैं, जो भी चीज़ें मिलाई हैं सब कुछ घरेलू मिलाया है और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी हानिकारक चीज़ इसमें नहीं मिली है। तो इस च्यवनप्राश को आप ज़रूर बनाएं मेरे कहने से और इसको ज़रूर खाएं। घर में बच्चे बूढ़े जवान सब खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब हम इसको एक जार में सर्व करके दिखा रहे हैं आपको। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और गाढ़ा हो जाएगा इसका टेक्सचर। तो बहुत ही लाजवाब च्यवनप्राश बनके तैयार हो गया। तो आप लोगों ने देखा आंवला च्यवनप्राश घर में बनाना कितना आसान है। इस च्यवनप्राश को आप बना के एयर टाइट डिब्बे में 3 से 4 महीने रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक लिए रखना है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इस च्यवनप्राश को आप 1 चम्मच से 1/2 चम्मच रोज खाएं गरम दूध के साथ, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप हेल्दी रहेंगे और आपको किसी भी तरह का कोई वायरस नहीं होगा, ना सर्दी खांसी जुकाम बुखार, आप हर एक तरह की छोटी मोटी बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे। इस च्यवनप्राश को बड़े से लेके बच्चे तक आराम से खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस रेसिपी को जल्दी से आप बनाएं और इस सर्दियों के मौसम में अपने आप को वायरस से बचाएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।